हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेटिक्स क्लासेस। एक्सेटिक्स क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की आंसर की आ चुकी है और आई होप आप लोगों ने अभी तक अपने मार्क्स को देख लिया हो कि आपने क्या क्या स्कोर किया है। अब दोस्तों, हमारी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रहती है कि कट ऑफ के बारे में जाने, कि जल्द से जल्द हमें कट ऑफ पता लग जाए ताकि हम आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो वीडियो है जो हमारे चैनल के थ्रू डाली गई है, दोस्तों दोनों ग्रुप्स के मैं डाल चुका हूँ वीडियो, चाहे वो ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी। दोस्तों, मैंने उस पर कमेंट पढ़े और हमारी वीडियो में जो कंटेंट डाला गया है उस बात से कुछ लोग एग्री भी करते हैं और कुछ लोग डिस एग्री भी कर रहे हैं कि भाई इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो दोस्तों, कट ऑफ आने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, जिसके लिए खास मैंने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, कट ऑफ आने से पहले आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए और मुझे लगता है आप इससे एग्री भी करेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जिससे इस बात से नकारेगा कि ऐसा नहीं होता। दोस्तों, कोई भी एग्जाम है उसकी कट ऑफ हमेशा पेपर की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, ये बात बिल्कुल सही है और मुझे लगता है आप सारे लोग इस बात से सहमत होंगे। दोस्तों, ग्रुप डी के पेपर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके 80 नंबर से कम का जो करके आया है। जो भी कैंडिडेट पेपर देने गया है, अगर वो ठीक ठाक है, पढ़ने में ठीक ठाक पढ़ाई की है, तो नॉर्मली दोस्तों बिल्कुल ही बेसिकली क्वेश्चन आए हैं उसमें, तो आप में से आप अपने आस पड़ोस में ही देखिए, जिनने आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने दोस्तों 80 तो स्कोर किया ही है कम से कम। और मे भी बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने 90 प्लस भी स्कोर किया हुआ है। मेरी जानकारी में दो चार हैं, उन्होंने दोस्तों 97 98 नंबर भी करके आए हैं, जो मैं जिन्हें जानता हूं। तो आप लोग इस बात को मानेंगे। दोस्तों, जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है ग्रुप डी का, दोस्तों जब 80 नंबर वो खुद ही स्कोर कर रहा है, दोस्तों कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, वो 80 नंबर तो कम से कम स्कोर कर ही रहा है। तो आप ये बताइए, कट ऑफ जो है 80 से कम तो बिल्कुल जानी ही नहीं है। अगर दोस्तों मैंने जनरल की जो कट ऑफ है उसके बारे में कहा है, ग्रुप डी की कट ऑफ जो 85 है, जो जनरल के लिए 85 प्लस, तो दोस्तों अब जब हर बच्चा दोस्तों 80 नंबर कम से कम पेपर करके आ रहा है, तो दोस्तों 85 नंबर कोई ज्यादा नहीं है, फिर भी कट ऑफ ठीक है। और दोस्तों इसी की तरीके से जो मैंने अदर कैटेगरीज है उनकी भी कट ऑफ बताई है। अब हम बात करें दोस्तों ग्रुप सी की, तो दोस्तों ग्रुप सी का पेपर मानते हैं थोड़ा मैथ का सेक्शन था, बाकी नहीं, केवल मैथ का जो सेक्शन का उसे छोड़ दिया जाए, तो दोस्तों ओवरऑल जो बच्चे हैं जितने भी एग्जाम देने गए हैं वो दोस्तों कम से कम 70 नंबर का करके आए हैं पेपर। दोस्तों जितने सब जा रहे हैं, सारी भीड़ जा रही है, वो 70 नंबर कम से कम बिल्कुल ही उन्हें क्लियर है कि 65 से लेकर 70 नंबर उनके क्लियर हैं। तो दोस्तों अब ऐसा तो नहीं है कि सबके 70 ही हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 85 या 90 के प्लस भी नंबर हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और दोस्तों अगर वैकेंसीज के थ्रू देखा जाए तो जो टाइपिंग पोस्ट हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर की 543 वैकेंसी हैं और दोस्तों जूनियर स्टैंड की देखी जाए तो 1786 हैं। और दोस्तों इसका अगर 5 गुना भी बुलाते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेटली 9000 हो रहा है और इसका दोस्तों लगभग 2500 से ऊपर ही बैठ रहा है कुछ। तो दोस्तों इतना तो बच्चे जाएगा ही टाइपिंग के लिए, उसके बाद टाइपिंग में निकाले जाएंगे। तो दोस्तों कट ऑफ इससे कम बिल्कुल ही नहीं जाने वाला। और दोस्तों ये जो कट ऑफ कम जाने की बात जो सोच रहे हैं दोस्तों, उनका स्कोर कम है और वो लोग, मुझे लगता है, मैं मानता हूं वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे, पर दोस्तों जब हर बच्चा 70 नंबर का पेपर जब करके आ रहा है ग्रुप सी में, तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस ही नहीं है। तो अब आप ही सोचिए, कट ऑफ जो मैंने वीडियो बताई है ये सही है या गलत है, कट ऑफ पेपर पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। आप प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर दें, जिसके लिए वीडियो बनाई है, जो मेरा पर्पस है। और दोस्तों जिनको लग रहा है उनके नंबर ठीक हैं ग्रुप सी में, काफी अच्छे हैं, तो दोस्तों वो अपनी टाइपिंग पर फोकस जरूर करें। और अभी तक टाइपिंग का क्लियर नहीं है, जो हिंदी वाली टाइपिंग है मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट पर होगा या मंगल फॉन्ट रेमिंगटन पर होगा, पर आपने जिसमें भी अपनी प्रिपरेशन की है पहले से, आप उसी में लगे रहिए, क्योंकि अब टाइपिंग बदलने से भी फायदा भी नहीं है, और जिसमें आपने की है बस उसी को कंटिन्यू करते रहिए। बस दोस्तों यही बात थी, और हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाली ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आप तक मैं शेयर करूंगा जल्द से जल्द। और हमारे चैनल पे जुड़े हैं आप, इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, ये आपके ऊपर है।
और दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक ये शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।